अच्छस्त्रक्परशं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दहतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभिमर्दिनीं हि महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। पारम्बा जगदम्बा माँ भगवती महालक्ष्मी को प्रणाम। बंधुओं, हम सब पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अथवा नित्य हम घर में दीप दान करते हैं, दीपक जलाते हैं सुबह और शाम, पर हम यह नहीं जानते हैं कि वह दीपक हमें किस प्रकार जलाना चाहिए और उस दीपक का मुख हमें किस दिशा में रखना चाहिए, और हम किस दिशा में रखते हैं तो हमें क्या फल प्राप्त होता है। इस पर तो सर्वप्रथम आपको यह जानना होगा कि दीपक सदैव आपको, यदि गोल दीपक है तो उसमें आपको कर्पास यानी कप जो रुई होती है उसका आपको बत्ती सदैव प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार के दीपक में सदैव आपकी आपको रुई के बत्ती का प्रयोग करना होता है, और उस दीपक को कभी भी आपको सीधे ज़मीन पर नहीं रखना होता है। अर्थात आप किसी पात्र में या पत्ते पर अथवा नीचे चावल रख करके ही आपको उस दीपक को रखना होता है। कभी भी सीधे आप ज़मीन पर दीपक को ना रखें, किसी पात्र में पत्ते पर अथवा नीचे चावल रख करके आप दीपक को रखें, और दीपक को आप सदैव पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके आप जलाएं दीपक को। उससे आपको लाभ होगा। क्या होगा कि आयुर्दह प्रांगमुखो दीपो। यदि आप जिसको अपने आयु में जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है, आयु बढ़ाना चाहता है, तो वह व्यक्ति पूर्व की दिशा में मुख करके दीपक को जलाएगा तो उसके आयु में वृद्धि होगी। और यदि कोई धन चाहता है, धन उस लक्ष्मी की को प्राप्त करना चाहता है, तो दीपक को वह उत्तर की दिशा में मुख करके दीपक को जलाएगा तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी और उसे अधिक से अधिक लक्ष्मी प्राप्त होंगी। इस प्रकार आप पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके दीपक को जलाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, आपकी आयु और धन में वृद्धि होगी। लेकिन यदि आप उस दीपक को दक्षिण या पश्चिम की दिशा में मुख करके जलाएंगे तो आप अच्छा कार्य करते हुए भी, चाहे आप धार्मिक अनुष्ठान करें या नित्य आप दीपदान करें, इन दोनों में आपको हानि प्राप्त होगी। अच्छा कार्य करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो भूल करके भी कहा गया है कि प्रत्यंग मुखो दुख दोषो हानि दो दक्षिणा मुखा। यदि आप पश्चिम की दिशा में मुख करके दीपक जलाते हैं, दीपक जवाब जलाते हैं, उसका मुख यदि पश्चिम दिशा में होता है तो आपको दुख और दोष लगता है, और यदि दक्षिण में मुख हो जाता है उस दीपक का तो आपको हानि, धन से, बल से, सभी प्रकार से आपको हानि पहुँचने लगती है। तो हम आशा करते हैं कि आप दीपक को कभी भी सीधे भूमि में नहीं रखेंगे, सदैव चावल पर या पत्ते पर या आप किसी पात्र में रख करके दीपक जलाएंगे पूर्व और उत्तर की दिशा में मुख करके दीपक ऐसे जलाएंगे, और आप प्रार्थना करेंगे कि दीपो ज्योतिर्परब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतुमेपाजपम, पूजा दीप नमोस्तुते, शुभम करो तो कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके और आप दीपक नित्य जलाएंगे, पूजा में जलाएंगे, तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, हम पुनः एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।